विश्व गुर्दा दिवस के अवसर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अनूठा आयोजन किया गया। किडनी दान करने वालों के अनुभव भी यहां साझा किए गए। इसके साथ ही जिले में अंगदान करने वालों के लिए तैयार की गई वॉल ऑफ फेम का अनावरण भी किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने गुर्दे की बीमारी के कारण व निदान पर व्याख्यान भी दिया। प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे गुरुवार को विश्व गुर्दा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर इंदौर में भी विभिन्न आयोजन हुए। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग ने अनूठा आयोजन किया, जिसमें जागरूकता के साथ ही अंगदान करने वालों को सम्मानित किया गया। किडनी दान को लेकर भ्रम की स्थिति रहती है और इसे दूर करने के लिए अपने ही परिजनों को किडनी दान करने वालों ने अपने अनुभव भी साझा किए। जिले में पिछले कुछ वर्षों में अंगदान करने वालों को लेकर तैयार की गई वॉल ऑफ फेम का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने किडनी रोग के कारण व निदान को लेकर व्याख्यान भी दिया। अभी कुछ समय, एक साल से मेरे पिताजी का डायलिसिस चल रहा था किडनी के लिए, और अभी उनका ट्रांसप्लांट कराया है और अब सेल्फ हॉस्पिटल में उनका ट्रांसप्लांट करवाया गया और अभी वो भी स्वस्थ है और बेबी एकदम बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैंने अपने छोटे भाई दिवेंद्र को किडनी दिया है। बस ये सोच के कि एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है, बड़ी बहन भी एक माँ होती है। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने भी वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर लोगों से अंगदान करने की अपील की, तो वहीं लोगों को किडनी की बीमारी के प्रति जागरूक भी किया। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी खुशी की बात है कि ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। जब मान उद्घाटन के पश्चात आज पहली बार ये तैयार ऑडिटोरियम हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अभी सभी सुपर स्पेशलिटीज़ यहाँ पर आरंभ हो गई हैं, कार्डियो की जैसे मैंने बताया, न्यूरो की, नेफ्रोलॉजी की और अन्य। ये हॉस्पिटल अब इस रीजन की जो सरकार की मंशा है, सेवा कर पाएगा और पेशेंट्स को हम कम दाम पर उपलब्ध करा पाएंगे। आज वर्ल्ड किडनी डे पे डोनेशंस को, एक तरह से समाज में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस हो, उसके लिए हमने बैठ के की आज पूरे दिन किडनी डोनेशंस किस तरह से किए जाएंगे, समाज में इसका प्रसार हो और कैसे डोनर और रेसिपिएंट दोनों ठीक रहते हैं और अच्छा स्वास्थ्य के साथ रहते हैं, वो भी प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया जाएगा। और जो एक्सपर्ट्स हैं अब वो डिस्कस करेंगे किडनी डोनेशंस के जो साइंटिफिक और माइनर मतलब अंदरूनी तथ्य हैं, उसको सारे दिन चर्चा करेंगे। मैं वर्ल्ड किडनी डे पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि सब स्वस्थ रहें और अगर आवश्यकता पड़ती है तो किडनी डोनेशन के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त। आज वर्ल्ड किडनी दिवस के अवसर पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंगदान को लेकर और किडनी की बीमारी ना हो उसको लेकर कार्यक्रम रखा गया था। आज ये एक वर्कशॉप भी है डॉक्टरों की और उससे जुड़े हुए लोगों की कि हम किडनी को बीमारी को कम से कम कैसे कर सकते हैं पहली, और अगर किडनी की बीमारी होती है तो उसको बचाव कैसे किया जा सकता है दूसरी, तीसरी अगर किडनी बीमारी हो गई तो डायलिसिस को लेकर क्या क्या ऑप्शन है, किस प्रकार से हम आगे बढ़ें, तीसरी चौथी अगर किसी को किडनी की अगर आवश्यकता है तो किस प्रकार डोनर को प्रमोट करना, तो एक अंगदान का जो हमारा अभियान है उसको आगे बढ़ाने को लेकर भी आज हमने अंगदान को लेकर भी एक बैठक की। तो आने वाले समय में किडनी की बीमारी कम हो, अगर होती है तो डायलिसिस कम से कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा जगह में हो, क्योंकि डायलिसिस हमने देखा है कि डायलिसिस ऐसी बीमारी जो वीकली भी हो सकती है, वीक में दो बार भी हो सकती है, 15 दिन में भी हो सकती है, तो उसके बचाव किस प्रकार हो, उसके ट्रीटमेंट किस प्रकार हो और उसकी सुविधा कैसे मिले, और अगर ऑर्गन डोनेशन की बात आती है तो किस प्रकार समाज को आगे प्रेरित करें उसको लेकर भी आज चर्चा हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेडिकल से जुड़े छात्र, सामाजिक संगठन के सदस्य व डॉक्टर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।